अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हद से ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। काफ़ी लोग कह रहे थे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे हमारे अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, रेडिट पे काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा, शेडो बैन हो रहे हैं वगैरह वगैरह। DMs आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे लोगों के। तो सारी प्रॉब्लम्स का हल इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो ये बात तो सच है, रेडिट वाले ना 5-6 भी अपवोट कर दो ना आप, तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर रहे थे। मेरे अपने 5 से 6 अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। तो पहले 3-3 दिन के लिए होते थे, मेरा था चलो मैं दूसरा यूज़ कर लूँगा, तीसरा यूज़ कर लूँगा, इसी तरह 3-3 दिन वाला बैन हट जाएगा और मैं काम करता रहूँगा। लेकिन ऐसा भी हफ्ता ही चला, उन्होंने सारे के सारे परमानेंटली बैन कर दिए। फिर एक एक बार 3 दिन की वार्निंग देने के बाद ना सारे परमानेंटली बैन कर दिए। 5 अकाउंट में बैन करवा बैठा था। तो फिर मैंने कंप्यूटर पर बैठे बैठे इसका एक हल सोचा था, मैं ऐसे ही पंगे ले रहा था। तो गाइस, वो ये है कि कमाल की एक ट्रिक है, आपने ये लॉग आउट कर लेना। मेरे ख्याल में लॉग आउट हूँ, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ये करके ना, साइन अप गूगल से साइन अप करके, ये आपने जीमेल देख लेनी है, सेल्फ यूज़ double8888@gmail.com। इससे मैं अगर लॉगिन करता हूँ ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ हुआ। क्योंकि शो नहीं कर रहा, चलें आप ये देख लें कि ये देख आपके सामने इसका अकाउंट बना हुआ है ना, ये सस्पेंड तो हुआ है, पता नहीं शायद अनसस्पेंड ना कर दिया उन्होंने, चलें जो भी है। लेकिन इनबॉक्स में मैं जाकर देख लेता हूँ, ये देखें नहीं नहीं सस्पेंड हुआ, योर अकाउंट हैज़ बिन परमानेंटली सस्पेंडेड फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, 8 दिन पहले की ये खबर है। तो आपने देखा है ना, ये मैंने सेल्फ यूज़ से किया है, इसका यूज़र नेम देख लें रानाश का, मैं लॉग आउट करता हूँ। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे, आपने जैसे ही यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है ना, सॉरी, तो साइन अप पे जाना ना, आपने कंटिन्यू विद गूगल को तो छेड़ना ही नहीं है ना, मतलब कि गूगल वाली आपने अपने अकाउंट से साइन अप करना ही नहीं है। मैंने आपको जैसे कि दिखाई ईमेल कि इस पे अकाउंट बना हुआ है, सस्पेंड भी हुआ, वो ईमेल मैंने आपके सामने एंटर कर दिया, ठीक है ना। दुनिया जहान की जौन सी मर्जी ईमेल ऐड कर दें, अगर आपको उसका नहीं भी पता, आप अपने पास से कोई बना के ऐड कर देंगे ना, तो उसका भी कोई मसला नहीं। कंटिन्यू पे क्लिक करना, ये देख लें आपके सामने, ये मेरा यूज़र नेम, ये मेरा पासवर्ड, चले मैं जो मर्ज़ी लिख देता हूँ, चलें ये मैं कैप्चा फिल करूँगा, ये लें जी मेरा नया अकाउंट बन गया, क्या मसला है इसमें। योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड, यू विल सून बी रिडक्टेड, ये लें जी मेरा अकाउंट बन चुके हैं। 10 सेकेंड में कोई जीमेल की ज़रूरत नहीं, कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। ये मैं अपनी प्रोफाइल भी आपको खोल कर दिखाता हूँ, ये ले वन करमा ऑन रेडिट यू बाई मिस्टीरियस लाई, जिसे मर्जी अपवोट करूँ, जितना मर्जी काम करूँ मैं, कोई इशू नहीं है। पिको वर्कर का काम करूँ ना, मेरा अकाउंट सस्पेंड होगा। अब आपने करना क्या है, ये अकाउंट बनाना उसी वक्त आपने वो जाना है इनग्रीटो में, क्योंकि प्रूफ मांगते हैं, जैसा कि आपको पता है कि प्रोफाइल शो इनग्रीटो में जाना है, अपनी प्रोफाइल शो करानी है, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि पहले आपका अकाउंट नया नया बने, कम से कम आधा घंटा तो सस्पेंड नहीं ना होता। तो शेडो बैन भी चेक कर लेना, शेडो बैन भी नहीं होगा। अब मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताता हूँ। डिसएडवांटेजेस तो भाई कोई भी नहीं है, क्योंकि एक ही है सिर्फ, लेकिन वो भी अगर आप तरीके से यूज़ करें तो उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। वो ये है कि आपका अकाउंट बाकी भी और ये भी बैन तो होना ही होना है आपने, क्योंकि आप वोट करने हैं, आधे घंटे बाद अगर ये बैन तो हो ही जाना है, 100% हो जाना है, जो मर्ज़ी कर लें आप। तो इसका सलूशन ये है कि आजकल रेडिट पे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जॉब्स बहुत कम हो रही है, लोगों के अकाउंट बड़े सस्पेंड हुए पड़े हुए, लोगों ने ये जॉब करना ही छोड़ दिया, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, मैं सॉरी कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये देखें, इतनी जॉब्स मैंने नहीं देखी, मतलब इससे आजकल देख रहा हूँ, लेकिन ये 2 हफ्ते से पहले मैंने नहीं देखी इतनी ज़्यादा जॉब्स पड़ी हूँ, मतलब अगर पड़ी भी होती हैं थोड़ी थोड़े, मतलब रह जाती हैं डन के साथ, तो वो फिर करते करते मेरे कंप्लीट हो जाती हैं, दिस जॉब इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड आ जाता है इस तरह का एरर। तो आजकल बड़ी ज़्यादा आई हुई हैं, तो आपने ना 3 टाइम चूज़ कर लेने हैं, सुबह टाइम, दोपहर टाइम और रात टाइम। सुबह टाइम आपने 10-15 मिनट देने, दोपहर को आपने 10-15 मिनट देने, क्योंकि इससे ज़्यादा देर नहीं लगती है, ये मेरे से गारंटी ले लें आप, अगर आपका थोड़ा सा हाथ सेट है। रात टाइम आपने 10-15 मिनट दे लेने, तीनों टाइम आपने 10-10, 15-15 जॉब करे ना, तो हिसाब लगाएं आपके दिन में 40 से 45 जॉब हो जाती हैं। तो खाली रेडिट से आप 40 को 3 से ज़रब दें,
$1 और 20 सेंट, और कुछ पाँच वाली भी होती हैं, चार वाली भी होती हैं, तो तकरीबन अगर सही मतलब काम करें तो $1.50 सिर्फ आप रेडिट से कमा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। $1 तो पक्का है ना, तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे लें तो इंशाल्लाह $1.50 तो आपका बन जाना सिर्फ रेडिट से, बाकी भी टास्क करें आप वो भी अच्छा, उससे आपकी ज़्यादा अर्निंग होगी। तो $1.50 सिर्फ आप रेडिट वाले टास्क से कमा सकते हैं। और आपने अब करना क्या, सुबह टाइम जब आप अपना काम ख़त्म करेंगे ना, 15-20 आप पोस्ट करेंगे, आपका अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड। आपने दोपहर टाइम आना, फिर दोबारा ऐसे ही करना है, नया अकाउंट बनाना है, नया सब कुछ प्रोफाइल नेम सेव करना है, चलें फिर दोबारा काम करके फिर रात को नया अकाउंट बना के काट लेना। तो अकाउंट बनाने पर आपके सामने मुझे 30 सेकेंड लगे, आपको भी इतना ही टाइम लगेगा आराम से। तो ये एक और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि गाइस कि 4-5 दिन हो गए मैंने 9-10 अकाउंट बना लिए, तो कोई भी मेरा रेडिट का टास्क है ना जो वो नहीं गया, फॉल्स नहीं गया, या मतलब जिसने कहा हो कि आपने प्रूफ नहीं सबमिट किए, इनवैलिड नहीं गया, सारे बिल्कुल मुझे अर्निंग भी हुई है, रिसीव भी हुई है बिल्कुल ठीक तरीके से, कंप्यूटर के ऊपर कोई आज तक ऐसा इशू नहीं आया कि आपके अकाउंट ये है वो है, सारे बिल्कुल सही जा रहे हैं अब तक के लिए, आगे कोई ये रोला ना डाल दें रेडिट वाले बड़े चवल हैं। तो जब तक ये आपको फ़ायदा देती हैं तो मैं तो कह रहा हूँ उठाएं फ़ायदा, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, या फिर ज़्यादा सारे अकाउंट बना के रख लें आप एक बार ही, ये भी आप कर सकते हैं, ईमेल ऐड एक एक कर करके फिर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड किसी कॉपी पे लिख लें, तो अगर आपको दोबारा दोबारा अकाउंट ही बनाना पड़ेगा तो वैसे भी ज़्यादा देर नहीं लगती अकाउंट बनाने पर। तो अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि मैंने ना अपने यूज़र नेम रखे हुए थे यू बाई टेरिबल सन, वो भी सजेशन में आया था 50/45, उसके बाद मैं क्या करता था दूसरा जब अकाउंट बना था उसका 52 रख देता, उसके बाद तीसरे का 53 रख देता था। तो उसे आपने क्या करना, कॉपी करके क्लिपबोर्ड में सेव कर लें ताकि आपका टाइम बच जाए, हर बार आपने थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके ना, तो यूज़र नेम में ज़्यादा चेंज ना करें, कोशिश करें याद रहे आपको, ज़बानी याद हो, ईजी रख लें जो सा मर्जी रख लें, बस वो पहले से ना रखा हो नंबर ईजी ऐड कर लें, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और टास्क के हवाले से आपने मेरे पे छोड़ दी, कोई आपने टेंशन नहीं लेनी, सारे आपके इंशाल्लाह सही, आपको अर्निंग भी होगी और कोई बंदा आपको इनवैलिड टास्क नहीं मार्क करेगा क्योंकि आपने सही किया हुआ। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, उम्मीद है आप सबकी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।